बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्सेस, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस अगर वीक होंगी, यानी कि पार्टिकल्स की पानी से फोर्सेस वीक, NaCl की NaCl से फोर्सेस वीक, लेकिन जब दोनों मिले तो फोर्सेस स्ट्रांग हो गई, कंपाउंड सॉल्युबल हो गया। लेकिन अगर सॉल्यूट सॉल्यूट फोर्सेस स्ट्रांग हैं, सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस स्ट्रांग हैं, तो फिर वो आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट रहना ही ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं, ज्यादा पसंद आ रहा है उन्हें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की दो टाइप्स हैं, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पोलर होते हैं, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नॉन पोलर होते हैं। तो जो पोलर वाले होंगे वो वाटर के अंदर हल हो जाएंगे, जो नॉन पोलर हैं वो वाटर के अंदर हल नहीं होंगे। ये सब बातें हो गई जो प्रॉपर्टीज की। एक प्रॉपर्टी और रह गई और उसको हमें नाम देना है कि ये है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस जी, ब्रिटलनेस आयनिक सॉलिड्स के अंदर ब्रिटलनेस होती है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर ब्रिटलनेस नहीं होती, क्योंकि अपर लेयर जब स्लिप पास करती है लोअर लेयर पर, तो आयनिक सॉलिड्स में एक जैसे आयन एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, लाइक ऊपर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नीचे वाला भी अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, तो क्रिस्टल जो है वो ब्रेक हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज रख दी हैं, तो आपके पास यहाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की जो है वो पॉसिबिलिटी बन रही है। हम आगे की तरफ चलते हैं और एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जिसका नाम हमने रखा है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का दूसरा नाम है क्रिस्टल एनर्जी। ये पास पेपर का क्वेश्चन है जी, क्रिस्टल एनर्जी। लैटिस एनर्जी का दूसरा नाम उसने पूछ लिया कि लैटिस एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, हमने नाम रख दिया क्रिस्टल एनर्जी। और इसे क्रिस्टल एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि असल नाम है लैटिस एनर्जी का क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। तो कभी हम उसे लैटिस एनर्जी कह देते हैं, कभी हम उसे क्रिस्टल एनर्जी कह देते हैं, दोनों ही नाम चलते हैं। पूरा नाम क्या है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं और डेफिनेशन उस तरह लिख रहा हूं जिस तरह पेपर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एनर्जी की कोई डेफिनेशन आ सकती है। पहली डेफिनेशन देखिए, NaCl से बन रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये है अल्फा ऑप्शन। दूसरा है NaCl सॉलिड से बन रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये है बीटा ऑप्शन। तीसरा है NaCl गैस से बन रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, चार्ली ऑप्शन। चौथा है NaCl सॉलिड से बन रहा है Na पॉजिटिव जो कि गैस की फॉर्म में है, Cl नेगेटिव जो गैस की फॉर्म में है, डेल्टा ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। बीटा आपने कहा कि सही है, सॉलिड NaCl को तोड़ने की एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। कोई और कुछ और कहना चाह रहा है, चार्ली? मैं डेफिनेशन बोलता हूं फिर दोबारा आंसर लगाते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैशियस आयंस। अब क्या कहेंगे, फिर डेल्टा हो जाएगा और डेल्टा इज द राइट आंसर। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड जो कि स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में होगा, सॉलिड होगा, इनटू इट्स गैशियस आयंस। यानी कि आयंस की फिजिकल स्टेट लिखना भी जरूरी है और आयोनिक सॉलिड की फिजिकल स्टेट लिखना भी जरूरी है। ये जो लैटिस एनर्जी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है। देख लीजिए, लैटिस एनर्जी LE जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। और बेहतर कर लें, चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 2 multiplied by साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे साइज कम होगा लैटिस एनर्जी कम होगी। मैं आपके सामने रख रहा हूं ये चार आयन, लिथियम आयन और बेरिलियम आयन और सोडियम आयन और कैल्शियम आयन। हाईएस्ट लैटिस एनर्जी बता दीजिए किसकी है,
बेरिलियम कहा आपने, क्यों कह दिया बेरिलियम? इसलिए कि बेरिलियम पर चार्ज ज्यादा है 2 और उसका साइज छोटा है, इसलिए नंबर 1 पर बेरिलियम आ गया। नंबर 2 पर किसे रखेंगे? नंबर 2 पर रखेंगे किसे जी? अल्फा जी, लिथियम को रख देंगे। कैल्शियम का साइज काफी बड़ा होता है जी, वो इतना बड़ा साइज है कि उसके अंदर +2 चार्ज आ जाए तब भी बात नहीं बनती। अच्छा, तीसरे पर किसे रखेंगे? इन दोनों में से किसे रखेंगे? सोडियम। अच्छा, ये ऑप्शन छोड़ दें, ऐसे रहने दें, ये आपको कंफ्यूज करते हैं। एक जैसे ऑप्शन होंगे तो वो ज्यादा बेहतर कंपैरिजन होगा। अलबत्ता ये पता लग गया सबसे ज्यादा इसकी है, सबसे कम किसकी होगी वो मैं बता देता हूँ कुछ और ऑप्शन रखकर। ये कैल्शियम को छोड़ देते हैं, कैल्शियम मिसलीडिंग है, हम यहाँ पे पोटाशियम आयन रख लेते हैं। अब बता दीजिए जी, नंबर 2 पर हमने लिथियम रखा, नंबर 3 पर कौन सा रखेंगे? अब सोडियम हो गया, बिल्कुल सही, और नंबर 4 पर पोटाशियम। अच्छा, यहां से अब आपने देखा एक चीज और भी पता लग गई इस एग्जाम्पल में कैल्शियम लिखने से, कि कई दफा आप कुछ और दीगर जो मार्केट में किताबें हैं उन्हें पढ़ते हैं तो वहां पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं और वो चारों ही डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, उनमें ना कोई कैटाइन मैच हो रहा होता है ना कोई एनाइन मैच हो रहा होता है, और वो कहता है कि जी इसमें लैटिस एनर्जी का ट्रेंड बता दें, तो आप काफी परेशान रहते हैं कि इसका लैटिस एनर्जी का ट्रेंड कैसे पता लगेगा। बिल्कुल रॉन्ग वे है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे सवाल आता भी नहीं है। हमेशा सवाल आने के कुछ उसूल होते हैं कि इतनी क्लियर कट इंफॉर्मेशन हो कि हर आदमी आंसर लगा सके, कोई डेटा कोई टेबल याद ना उसे करना पड़े। तो अब फिलहाल ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है बड़ा ऑथेंटिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपको पता है कि बेरिलियम का चार्ज बड़ा है साइज छोटा है, इसलिए उसे नंबर 1 कहा। लिथियम सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप के हैं, इनका चार्ज भी एक जितना है, तो हमें सिर्फ साइज देखना है। लिथियम का साइज छोटा था, मैंने नंबर 2 कहा, सोडियम का साइज बड़ा था, इसे नंबर 3 कहा, पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है, इसे नंबर 4 कहा है। इसी प्रैक्टिस को आगे लेकर चलते हैं और अब मैं आपके सामने रख रहा हूं एग्जाम्पल सोडियम फ्लोराइड अल्फा ऑप्शन में, और दूसरी तरफ पोटाशियम फ्लोराइड, और तीसरी तरफ मैंने रख लिया मैग्नीशियम फ्लोराइड, और चौथी तरफ मैंने रख लिया कैल्शियम फ्लोराइड। अब देखिए कि सबसे लोएस्ट लैटिस एनर्जी आप किसकी रखेंगे? लैटिस एनर्जी चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करती है जी। लोएस्ट लैटिस एनर्जी, पहले तो देख लीजिए कि लोएस्ट लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए, मैं आपको हिंट बता देता हूं, यहां भी फ्लोराइड है, यहां भी फ्लोराइड है, यहां भी फ्लोराइड है, यहां भी फ्लोराइड है। फ्लोराइड सब में है, तो फ्लोराइड का असर एक जैसा है, आप उसे छोड़ दें, उसे भूल जाएं। अब बचा क्या पीछे? एक तरफ सोडियम आयन है, एक तरफ पोटाशियम आयन है, एक तरफ मैग्नीशियम आयन है, एक तरफ कैल्शियम आयन है। लोएस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट निकालना है। आप कहेंगे क्या मैग्नीशियम +2 छोटा हो सकता है, स्मॉलेस्ट हो सकता है? क्या मैग्नीशियम की लैटिस एनर्जी लोएस्ट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस पे चार्ज है +2 और इसका साइज जो है वो भी काफी छोटा है। तो क्या K+ स्मॉलेस्ट हो सकता है? K+ क्यों नहीं हो सकता स्मॉलेस्ट जी? नहीं हो सकता। चलें, इसका मतलब है कि हमें पहले पीरियोडिक टेबल की बात को समझने की जरूरत है, फिर हमें वापस आना होगा। यहां पर मैं समझा देता हूं बहुत ही जल्दी से। याद रख लीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसका साइज अगर छोटा होकर इतना रह गया +1 वाला, तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका साइज हो जाएगा ये। अगर पोटाशियम जो है उसका साइज है ये +1 के साथ, तो कैल्शियम का साइज है ये +2 के साथ। अब बता दीजिए, ये है अल्फा ऑप्शन, ये है बीटा, ये है अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। लैटिस एनर्जी सबसे कम किसकी है जी?
क्या आंसर? जी अब आपने कह दिया सही कि बीटा की सबसे कम है। दरअसल आप जो आंसर तक नहीं पहुंच पाए उसकी वजह ये थी कि आपको सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम का साइज नहीं पता। ये मैंने आपके सामने साइज रखा तो आपको अंदाजा हुआ कि जो पोटाशियम का साइज है वो बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमिरेटर बहुत छोटा है, +1 यहाँ +2, तो न्यूमिरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा, ऊपर वाली वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो आंसर कम आएगा। जैसे कि पोटाशियम का आंसर कम है, सबसे कम लैटिस एनर्जी इसकी है, सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है? मैग्नीशियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है। ज्यादा और कम का अंदाजा लगाया जा सकता है, बाकी चीजें हमारे लिए इतनी अहम फिलहाल नहीं है। ये आइडिया अगर आपको पता लग गया है तो एक और छोटी सी बात पूछ लेता हूँ ताकि हम इस पर बिल्कुल ग्रिप हासिल कर लें। और अब की बारी है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन है जी, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, इसमें से लोएस्ट और हाईएस्ट लैटिस एनर्जी किसकी है जी? अल्फा हाईएस्ट आ गया और डेल्टा लोएस्ट आ गया। कैसे आपने ये काम किया? आपने सबसे पहले कहा कि सब में सोडियम है, इसको तो भूल जाएं। अब हमें देखना है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी एक ग्रुप के हैं। फ्लोराइड का साइज छोटा है, क्लोराइड का बड़ा है, ब्रोमाइड का बड़ा है और आयोडाइड का सबसे बड़ा साइज। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी हो जाएगी कम, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये बात पता लग गई जनाब? कोई मुश्किल तो नहीं आई? यहां तक बात बन गई? अच्छा, अब हमारे पास मुख्तसर सा वक्त है तो उसमें हम एक छोटी सी बात करके आज का टॉपिक जो है वो मुकम्मल करेंगे। वो ये है कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, जो हमारे पास डायमंड है, जो हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन ना एक ब्लैक सॉलिड होता है, याद रख लीजिए, टॉपिक पढ़ेंगे ना मिल जाएगा। ये सब के सब हैं, ये सब के सब जो सोडियम, आयोडीन और डायमंड है, ये सब के सब कैसे हैं? ये हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इनका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और जो सोडियम क्लोराइड है, पर्टिकुलरली इसकी बात की जाए तो जो सोडियम क्लोराइड है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है। क्या मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर का? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि अगर आपके पास एक सोडियम आयन मौजूद हो तो वो चार तरफ से ऐसे, एक आपकी तरफ टूवर्ड्स दी व्यूअर, एक मेरी तरफ अवे फ्रॉम व्यूअर, 6 क्लोराइड के साथ ये जुड़ा होगा, तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, हर क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, यानी कि हर पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयन से जुड़ा है, हर नेगेटिव आयन 6 पॉजिटिव आयन से जुड़ा है। ये सब बातें हमने यहाँ पर याद रखनी है। साथ यहाँ पर याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, वो भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मेजॉरिटी बातें हमने यहाँ पर हल कर ली, और मज़ीद आप प्रेप बुक और प्रैक्टिस बुक पढ़ेंगे तो समांतर सवाल आपके जहन में आ जाएंगे कि क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा रहा है। आज का हमारा सॉलिड्स का टॉपिक हो गया मुकम्मल। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम केमिकल इक्विलिब्रियम से बात शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 6 से। जी, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। कंडक्शन जनाब, कंडक्शन मैंने कहा कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में हैं तो उनके आयन्स नॉट फ्री टू मूव, इसलिए वो नॉन कंडक्टर हैं। अगर वो लिक्विड फॉर्म में हो तो आयन्स फ्री टू मूव, इसलिए वो कंडक्टर हैं। अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो तो आयन्स फ्री टू मूव, इसलिए वो कंडक्टर होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में ना कोई आयन फ्री है ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसलिए वो नॉन कंडक्टर हैं। समझ गए जी बात? किसमें? वैक्सीज में जी, लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जी, नॉन पोलर होती हैं वैक्सीज। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है वैक्सीज को,
वो नॉन पोलर ही थे जी। अच्छा जी, वैक्सीज में पोलर पार्ट कोई भी नहीं है, आपने ये तो कहा कि ये मिक्सर हैं, लेकिन जो उनके अंदर पोलर पार्ट तो कोई भी नहीं है, वो तो सारे ही नॉन पोलर हैं, तो वो आपस में नॉन पोलर जो फोर्सेस बनाएंगे वो तो लंदन फोर्सेस होंगी। हाँ जी, ये मसला है, ठीक हो गया जनाब। लैटिस एनर्जी दो तरह से है जी। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। लैटिस एनर्जी जो मैंने बोर्ड पर लिखी हुई है, ये तो डेफिनेटली एंडोथर्मिक है, और सोडियम क्लोराइड के लिए वैल्यू 787 होती है। प्लस में लैटिस एनर्जी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, वो क्या डेफिनेशन है, 1 मोल ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैशियस आयंस। ये भी लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन है, लेकिन अब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए ये वैल्यू -787 हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आप लैटिस एनर्जी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। अगर आप आयनिक कंपाउंड को तोड़ने में डिफाइन कर रहे हैं, ब्रेकेज में डिफाइन कर रहे हैं, तो ये एंडोथर्मिक होगी, और अगर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की बात कर रहे होंगे तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है जी बात। क्या कह रहे हैं? NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये भी इजाफी इंफॉर्मेशन है, सिलेबस आउटलाइन में नहीं लिखा हुआ, इर्द गिर्द लोग इसके बारे में बातें बता रहे हैं, तो मैंने सिर्फ एक जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी। मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं बता दूं कि हर फेस के ऊपर जो NaCl लगा हुआ है वो 2 क्रिस्टल्स का पार्ट है, जरूरत नहीं है ऐसी बिला वजह टाइम जाया करने वाली बात है। वैसे टॉपिक आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, सोडियम क्लोराइड के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन अगर आ जाए तो बस बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगी जी। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक सोडियम के साथ कितने क्लोराइड लगे हुए हैं और एक क्लोराइड के साथ कितने सोडियम लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर बना तो दूं लेकिन वो हमें जो ना वो उस तरह से नजर नहीं आएगा। ये कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर अब ये नजर नहीं आता। अलबत्ता मैं आप सोडियम के गिरना एक सेंटर में एक रखें पॉइंट, उससे देखें आप एक जो है वो लेफ्ट साइड पर लगा सकते हैं, एक राइट साइड पर। सोडियम अगर मैं हूं तो एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया, एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया। टोटल 6 क्लोराइड आयंस जो है लग सकते हैं एक सोडियम के गिर्द, जितने भी लग सकते हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर है जी?